प्रदेश में वाहनों को चुराकर बाहरी राज्य के लोगों को बेचने के चक्कर में मंडी जिला के जोगिंदर नगर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर जोगिंदर नगर व बैजनाथ पुलिस ने बैजनाथ पपरोला के 4 आरोपी सलाखों के पीछे धकेले। वहीं चुराए गए वाहनों के कल पुर्जे टायर रिम भी बरामद किए हैं। जोगिंदर नगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कठुआ से पुलिस इंस्पेक्टर का चुराया गया बुलेट भी बरामद कर इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना प्रभारी प्रीतम जरियाल की अगुवाई में गठित पुलिस की टीम में शामिल मुख्य आरक्षी मनवीर अजय ने चोर गिरोह को दबोचने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले कुछ समय से जोगिंदर नगर एरिया में बाइक चोरी की शिकायतें जो है लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसमें अगस्त 2021 से लेके जनवरी 2021 तक हमारे 4 मोटरसाइकिल जो है वो इस एरिया से चोरी हुए थे। इसमें एक स्पेसिफिक टीम को टास्क दिया गया था और ये सभी चोरियां जो हैं घरों के अंदर से ही हो रही थी, इसलिए ये जो स्पेसिफिक टीम है इसको इस मॉडल्स पे काम करने के लिए लगाया गया था। इस टीम द्वारा जो है अच्छा कार्य किया गया और इसमें आज जो है 3 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो उनकी रिकवरी हुई है। कुछ मोटरसाइकिल्स जो है उनके पार्ट्स जो है मैकेनिक द्वारा काट के आगे अन्य जगहों पर बेचे गए थे, उसकी कैश और अदरवाइज जो मटेरियल उसकी रिकवरी हमने की है। ये जो गैंग है इसमें बैजनाथ का एक गोविंद नाम का व्यक्ति जो है वो एक्टिव पाया गया, जो कि बस के माध्यम से ट्रैवल करता था और जहाँ पे मौका मिलता जहाँ पे रैकी के हिसाब से मोटरसाइकिल होती थी वहाँ पे उसको लॉक तोड़ के उस मोटरसाइकिल को सेल्फ ड्रिवन कंडीशन में वापस बैजनाथ और आगे ले जाता था। उसके कनेक्शन फर्दर जो है एक मकैनिक जो कि बैजनाथ में ही काम करता है उससे और एक कबाड़ी राकेश महाजन जो है वो बैजनाथ से ही, उनके साथ फर्दर जो है पाया गया। और जब इन सबको अरेस्ट करके पूछताछ की गई तो पूरा ये मैटर सॉल्व हुआ और इसमें एक मोटरसाइकिल जो है कठुआ जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है और साथ में 2 मोटरसाइकिल्स अपाचे और पल्सर इनके पार्ट्स और साथ में कुछ कैश की रिकवरी जो द्वारा इस गैंग से की गई है। फर्दर इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और आगे हम इनसे और जो इस एरिया में या अन्य जगह मंडी में या कांगड़ा में चोरियों में ये इन्वॉल्व हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे और फर्दर इसमें कार्रवाई आगे। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार होंगे इस केस में? अभी तक कुल 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इनका जो पुलिस रिमांड चल रहा है और फर्दर इसमें कार्रवाई जो आगे बढ़ेगी।